Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with your SST classes. So class 8, we will be starting the 4th chapter of SST from today onwards. So you can say we are going to discuss the syllabus of term 2 from this chapter onwards. Is that clear? So today we will be discussing the topic Chapter 4 of History, Rural Life and Society. Rural matlab village, theek hai, life matlab jeevan, and society matlab tum samajh sakte ho samaj. So rural life and society, but hum log kiske context mein padhenge? We'll learn in the context of the British government or the British rule. Why? Because till the previous chapter or from the beginning of the chapter, we have seen in this history book that it deals with the modern period of India from the coming of Britishers to the independence. मैंने बोला है और यहाँ पे क्या होता है बेटा कि सबसे पहली बार हम लोग ने previous chapters में हम लोग ने ये देखे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज ऐसा कंपनी आए थे. Second chapters में हम लोग ने देखे कि how did British consolidated their power. वो लोग ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे रूल मतलब कैसे अपना पावर जमाया. वी सॉ अबाउट वेरियस वॉर्स, युद्ध देखे, कर्नाटिक वॉर्स, यस एंग्लो मराठा वॉर, सिख वॉर, मेनी मोर वॉर्स. ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग ने देखे कि ब्रिटिश ने उस वॉर जीतने के बाद, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के बाद, वो लोग ने किस प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है. डायर्की देखे थे हम लोग ने, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. अब हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस दौरान रूरल लाइफ यानी कि विलेज लाइफ और सोसाइटी किस प्रकार का था, या ब्रिटिश आने के बाद इस सोसाइटी में किस प्रकार का चेंजेस आया है, या व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन आवर सोसाइटी. दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. सो द थिंग्स वी विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर इज दैट the colonial agrarian policies, that means agrarian matlab you can see it's related with agriculture related things, not only direct individual agriculture but at the same times activities related to agriculture. yani ki angrez ke daur mein ya colonial rule mein, yani ki in the terms of colonial power, yani ki company ke time pe ye policies jo lagaye the agriculture mein, उस पॉलिसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इंपैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन रूरल इकोनॉमी. इंडिया के गांव के इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या असर डाला, या व्हाट वाज द इंपैक्ट, यानी कि क्या असर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज लगाए थे उस पॉलिसीज से रूरल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल बी लर्निंग अबाउट द पीजेंट्स रिवोल्ट, यानी कि किसानों ने किस प्रकार से रिवोल्ट किया. यू कैन सी देर आर वेरियस पिक्चर गिवन, पेंटिंग्स, स्केचेस है. यू कैन सी दिस इज अ ब्रिटिश मैन स्मोकिंग सिगार. यू कैन सी हैट पहनने से ही पता चल रहा है कि दे आर ब्रिटिशर्स. दे आर मेकिंग आवर वॉट डिड एक्सक्यूज मी वॉट चेंजेस डिड दे ब्रिंग, कि वो लोग ने हमारे इंडियन ये रूरल देख रहे हो, ये हमारे इंडियन विलेज सोसाइटी को क्या असर पड़ा, या मेनी चेंजेस वो लोग ने क्या लाए, उसके आधार पे हम लोग का ये चैप्टर बेस्ड है. आई होप यू अंडरस्टूड कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स टू मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. सो नाउ लेट्स द चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस. देयर वाज अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम लोग का जो खेती होता था प्रोड्यूस मतलब, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज 18th सेंचुरी इंडिया. देर वॉज अ सिंबॉलिक, यहां पर बात आया सिंबॉलिक रिलेशनशिप हमारे इंडिया का. एक्सक्यूज मी ओके. देर वॉज अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप, यानी कि हमारा इंडिया का जो एक रिलेशनशिप था बेटा फ्रॉम द विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि हमारे देश जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बना रहे थे, जो भी खेती कर रहे थे, एक सिंबॉलिक यानी कि इट वॉज अ ग्रेट रिलेशन, एक इज्जत का, एक भाईचारा का रिलेशनशिप था. ठीक है, अच्छा रिलेशन था कॉटेज इंडस्ट्री का इन 18th सेंचुरी इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया 18th सेंचुरी में वर्ल्ड
के रूप में एक बार देखा जाए तो काफी अच्छा रिलेशन बना के पूरे कंट्री के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि वी वेयर प्रोड्यूसिंग वेरी बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. इज दैट क्लियर? इंडिया वॉज लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर. उस समय इंडिया लीडिंग था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड अ यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हाथ से बनाए हुए जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसके क्षेत्र में और एग्रीकल्चरल एरिया में या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में उस कंपैरिजन में देखा जाते हैं तो इंडिया उस समय वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स थे और अपना अलग जगह बना के रखे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, बट क्या होता है बेटा, सबसे दुखद वाली बात यह है, ब्रिटिश नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बट दे ऑल्सो ब्रॉट अबाउट सर्टन चेंजेस इन द एग्रारियन स्ट्रक्चर बाय इंप्लीमेंटिंग न्यू सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. बट ये जो एक इंपॉर्टेंस जो ये आगे का दो पॉइंट देख रहे हो, काफी अच्छा चीज पोजिशन हम लोग का जो इंडिया का एडवांटेज था इसको बल्कि तोड़ा नहीं, बल्कि तोड़ने के साथ साथ ऐसे नए नए इम्प्लीमेंटेशन लाए एग्रीकल्चर के एरिया में भी, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, एग्रीकल्चर के एरिया में भी ऐसे इम्प्लीमेंटेशन लाए जैसे कि नए नए लैंड रेवेन्यूज आए जिससे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को तो डिस्ट्रॉय किया बल्कि साथ साथ हमारे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स में भी चेंजेस ले आए ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल रूल. ठीक है, तो ये चैप्टर इसी से डिपेंडेंट है बेटा कि जो भी सिस्टम्स ब्रिटेन ने इंडिया में टेरिटोरियल एक्सपेंशन अपना पावर स्टैब्लिश करने के बाद अब ब्रिटेन का धीरे धीरे पॉलिसीज हमारे इंडियन फार्मर्स हमारे लैंड हमारे सारे एरियाज पे ब्रिटेन अब क्या करने लगे, अपना पावर दिखाने लग गए और उसके बदले में हमको क्या मिलेगा अब कि बहुत सारे बदलाव देखने मिलेगा और सबसे बड़ा चीज तो क्या मिलेगा, वी लॉस आवर यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. यानी कि इंडस्ट्रीज जो बढ़ने चाहिए थे हमारे इंडिया का वो तो तोड़ दिए और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल जो सिस्टम था उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव ब्रिटिशर्स ने लाए थे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्रारियन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश विच ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. हमारी इंडियन अर्थव्यवस्था किस तरीके से अंग्रेजों ने गिराया, एग्रारियन पॉलिसीज एग्रीकल्चरल पॉलिसीज कहां से उठा के ले आए, कहां लगा दिए, उससे हमारे इंडियन पॉलिसीज को सॉरी हमारे इंडियन इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है और हमारे इंडियन इकोनॉमी टूट गया था इस दौर में. तो इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? सो वी विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉलिसी दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 दैट वॉज नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट. अब नाम से क्या चल रहा है, परमानेंट, एकदम वहां से हिलना डुलना नहीं है, सेटलमेंट वहीं पे रहना है. 1793 में लागू किया था, दिस वॉज द फर्स्ट एग्रारियन कॉलोनियल पॉलिसीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे उनमें से सबसे पहला पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाया था बेटा दैट वॉज द परमानेंट सेटलमेंट. सो नाउ वॉट वॉज परमानेंट सेटलमेंट, द परमानेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. रिमेंबर द डेट, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन बंगाल बिहार एंड ओडिशा. पहले ओडिशा बोला जाता था, नाउ इट इज दिस इज द न्यू नेम, ओके ओडिशा. पहले ओडिशा ओके समवट सिमिलर. सो ये बिहार बंगाल एंड ओडिशा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंप्लीमेंट किया था. अब इंप्लीमेंट तो किया दिया था लेकिन अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट था बेटा इससे या इस सिस्टम में क्या होता था, ऐसा अंग्रेजों ने इसमें क्या चीज नए लाए थे. तो सबसे पहले देखते हैं, अंडर दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू ही गेव लैंड टू द लैंडलॉर्ड्स ऑन परमानेंट बेसिस. परमानेंट बेसिस पे लैंड दिया गया एक लैंडलॉर्ड को ऑन परमानेंट बेसिस. यानी कि मान लो कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूं, मुझे क्या मिल गया है, ब्रिटिशर्स ने क्या दिया है, मुझे लैंड दे दिया है, चलो भाई ये लैंड तुम्हारा है,
परमानेंट बेसिस पे, ये लैंड मेरा है, इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं। एक लैंडलॉर्ड को दिया, अब वो लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको दे हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक प्लॉट ऑफ लैंड मिल गया, मैं एक लैंडलॉर्ड हूं, पार्टनरशिप में कहता था कि तुमको लैंड मिल गया है बेटा, तो तुम यहां से क्या कर सकते हो, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, बट ब्रिटिश ने जितना रेवेन्यू फिक्स किया है उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या करना पड़ता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं लैंडलॉर्ड हूं, ब्रिटिशर्स ने मुझे लैंड दे दिया, मेरा जिम्मेदारी ये होता कि बदले में मैं क्या करूं कि अपना लैंड क्या करूं, लैंड का फॉर एग्जाम्पल लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करके एक फिक्स्ड अमाउंट होते थे जो ब्रिटिशर्स पहले रखे थे, उसको क्या करना पड़ता, हमें पे करना पड़ता। इज दैट क्लियर? बट देयर जमींदारी कुड बी एविक्टेड इफ दे फेल टू कलेक्ट द फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू। तो मान लो कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक जगह से 500 रुपया इकट्ठा हो रहा है, 500 रुपये में बोल दिया कि 400 रुपया टैक्स दे दो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और 100 रुपया तुम रख लो, ठीक है। अगर मैं वो 500 रुपया उठाने में नाकामयाब होता हूं तो उस सिचुएशन में हो सकता था कि मेरे हाथ से जमींदारी सिस्टम निकल जाए, यानी कि ये लैंडलॉर्ड का जो अधिकार मुझे मिला है वो मेरे हाथ से छीना जा सकता था परमानेंट सेटलमेंट में। तो यहाँ पे मीनिंग दिया है, तुम लोग देख सकते हो, अगारियन मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जमींदार मतलब द पर्सन हु अर्न्स द लैंड, एक व्यक्ति जो जमीन लैंड को ओन करता है, दीवानी, यहाँ पे द राइट गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम गिवन प्रोविंस। तो ये दीवानी के बारे में मीनिंग याद कर लेना, तो ये दीवानी एक राइट है, एक प्रकार से लाइसेंस मिला गया है किसी भी कंपनी को कि तुम किसी क्षेत्र से क्या कर सकते हो, वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बाद में ये मीनिंग काम आएगा। तो परमानेंट सेटलमेंट तुम लोग ने देखे, समझे, परमानेंट सेटलमेंट में जमीन वॉज गिव, लैंड वॉज गिवन टू अ पर्सन और उसको फिक्स्ड लैंड दिया जाता था, उसके बदले में उसको क्या करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड को, ही हैड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड बाय द कॉलोनियल या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखे परमानेंट सेटलमेंट के मेरिट्स पढ़ते हैं। अब मेरिट्स इन द सेंस देखा जाए, द कंपनी गॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर। सीधी सी बात है कि जब तुम लोग ने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू तुम लोग ने एक लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि भाई जो भी हो इतना रेवेन्यू आना चाहिए, तो दैट लैंडलॉर्ड विल एनी हाउ पे दैट रेवेन्यू, ठीक है। तो वो रेवेन्यू एनी हाउ पे करेगा, तो एक एडवांटेज ये रहा ब्रिटिशर्स के लिए, मेरिट्स ये रहा कि नॉट इन द टर्म्स ऑफ इंडियन मेरिट्स, ओके, डोंट थिंक दैट, ब्रिटिशर्स को मेरिट ये रहा कि यस, साल में एक ही बार में क्या आता, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा आना तय था, ठीक है। इट बिकेम पॉसिबल फॉर द कंपनी टू एडमिनिस्टर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सिस्टम। इसके साथ साथ जब रेवेन्यूज आ रहे थे उसके साथ साथ वो अदर डिपार्टमेंट्स को भी आराम से क्या कर सकते थे, एडमिनिस्टर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लैंडलॉर्ड को नियुक्त कर दिए है, तो वो तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा ही। अब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के समय से हम लोग छुटकारा मिला था, उस समय से अलग एरिया को भी ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए, एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए। सबसे बड़ी बात यह थी, जो लैंडलॉर्ड्स थे were made the permanent owners of the land and they remained loyal to their master in times of crisis. अब लैंडलॉर्ड को बोल दिया गया कि ये लैंड परमानेंटली तुम्हारा है, उसके बदले में लैंडलॉर्ड हमेशा यू कैन से अपने ब्रिटिशर्स के प्रति क्या होते रहे, लॉयल, वफादार हुए। लैंडलॉर्ड्स हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दे टू कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब लैंडलॉर्ड एक प्रकार से देखा जाए कि लैंडलॉर्ड्स को तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ता और वो लोगों को इंटरेस्ट के साथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स भी देखना पड़ता। कंसिक्वेंटली इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स वेर सोन इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो यानी कि अब लैंडलॉर्ड्स को ये काम दिए गए, तो ऐसा करना है, लैंडलॉर्ड्स जमीन को भी देखेंगे और धीरे धीरे देखा जाए तो जो क्रॉप्स उगाए जा रहे थे वो भी धीरे धीरे बढ़ते गए, ठीक है, और उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता गया। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो मेरिट्स हो गए, अब डीमेरिट्स क्या था
दिस सिस्टम गेव राइज टू न्यू सोशल क्लास विच केम टू बी नोन एज लैंडलॉर्ड्स. अब समाज में परमानेंट सेटलमेंट की वजह से समाज में एक नया क्लास, एक अवधि बढ़ गया. वो नया क्लास जो समाज में उभरा वो था लैंडलॉर्ड्स. अब लैंडलॉर्ड्स जमींदार बोल के एक नया क्लास पैदा हो गया. ठीक है कि कौन आ रहा है, नमस्ते जमींदार साहब, मालिक नमस्ते, दिस काइंड. अब कि अब मालिक आ रहा है, जमींदार आ रहा है, उनको टैक्स देना पड़ेगा. एंड वो एक क्या बन गया, एक क्लास बन गया. ठीक है, एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस नया बना समाज में, वो क्या बना, लैंडलॉर्ड्स. ये एक डिमेरिट्स था. और दे वेर लॉयल टू ब्रिटिश एंड कॉर्ट्स फॉर द इंडियन पीजेंट्स. वो हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहा. बट ये एक प्रकार से हमारे इंडियन पीजेंट्स के लिए क्या था, श्राप था. हमारे गरीब फार्मर्स के लिए ये क्या था, कर्स, श्राप था. क्यों? क्योंकि मोस्ट लैंडलॉर्ड्स वेर लीस्ट कंसर्न अबाउट द इंप्रूवमेंट ऑफ देयर लैंड. अब लैंडलॉर्ड का जिम्मेदारी है कि वो लैंड का भी इंप्रूवमेंट कराए, लेकिन सारे लैंडलॉर्ड्स जैसे नहीं थे बेटे. ऑल द लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट इंप्रूव द लैंड्स. बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स तो केवल रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बट दे डिड नॉट टुक कंसर्न अबाउट इंप्रूविंग द लैंड. ठीक है, तो इससे किसको फायदा हो, इससे किसको घाटा हो रहा है, किसानों को. दिस सिस्टम टर्न्ड आउट टू बी वेरी ऑप्रेसिव एज द होल बर्डन ऑफ द पेइंग टैक्स फेल ऑन द पीजेंट्स. तो ये सिस्टम काफी ऑप्रेसिव था, सबको दबाने वाला. क्यों? क्योंकि इसमें सारा बोझ जो था टैक्स पे करने का, वो किसके ऊपर पड़ा, किसानों के ऊपर ही खाली. अब केवल टैक्स देने का भार किसके ऊपर पड़ा, पीजेंट्स के पास पड़ा. दे हैड टू पे द टैक्स एट एनी कॉस्ट इवन इफ द क्रॉप फेल्स. अब परमानेंट सेटलमेंट में ये था बेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू पे द टैक्स. पीजेंट्स को क्या करना था, टैक्स पे करना जरूरी था. यदि उनका क्रॉप फेल भी होता, यानी कि उनका फसल बिगड़ भी जाते, तो दे हैड टू पे दिस टैक्स. ड्यू टू दिस सेटलमेंट द कंपनी सफर्ड हेवी लॉसेस एंड डिसाइडेड टू इम्पोज टैक्स ऑन नॉन फार्मिंग क्लासेस टू इंक्रीज देयर इनकम. देखो अब इसमें भी कंपनी को बहुत लॉस मिला है. इसके बारे में कैसे लॉस हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग फर्दर आगे वीडियो में दिया, उस पर पढ़ेंगे. अब इसीलिए वो लोग ने फार्मिंग क्लासेस के बाद वो लोग ने डिसाइड किया कि नॉन फार्मिंग जगहों पे भी, खेती के अलावा और ये सारे जगहों पे भी हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, ताकि ब्रिटिशर्स का क्या बढ़े, इनकम बढ़े. इट वॉज एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट एंड अनफेयर सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. देखा जाए तो ये परमानेंट सेटलमेंट किसी भी एंगल से देखा जाए तो सही प्रकार का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं था. ये अनफेयर था, जिसमें किसानों को ही बर्डन दिया जा रहा था और वहां से किसानों को कुछ भी प्रकार का फैसिलिटीज किसानों को नहीं मिलता था. इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी दिस इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, यहाँ पे SETTLEMENT सेटलमेंट. Is that clear? So the next system which was introduced was known as Rayatwari system. Rayatwari. Riots were the individual cultivators who tilled the land. They lost their credibility during a long drawn out wars. Rayats एक प्रकार से एक individual, एक अकेला cultivator था, खेती करने वाला. ठीक है, जो अपना land पे खेती करता था. They lost their, एक प्रकार से वो लोग का एक शान वो लोग खो बैठे थे. लगातार बहुत लंबा लंबा युद्ध हो रहे थे, उस दौरान वो लोग अपना एक पोटेंशियल, अपना एक इमा या एक प्रकार से एक इज्जत, एक प्रकार से एक इम्पोर्टेंस खो बैठे थे. तो ऐसे लोग थे रयत्स, इंडिविजुअल, DUAL, यहाँ पे AL छुटा है. सो ये रयत्स इंडिविजुअल थे, वो लोग का एक प्रेस्टीज भी थोड़ा, क्रेडिबिलिटी भी कम हो गया था, वो लोग का इंपॉर्टेंस कम हो रहा था. तो ऐसे लोगों को अब क्या करते हैं, अब ब्रिटिश यूज करता है. 1820 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू कॉल्ड रयतवारी सिस्टम, आल्सो नोन एज मुनरो सिस्टम. तो 1820 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थॉमस मुनरो ने क्या किया कि उन्होंने एक नया सिस्टम लगाया जिसका नाम था रयतवारी सिस्टम, जिसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है. द कंपनी मेड अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रयत्स फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. अब ये रयत्स जो थे,
इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए कंपनी ने और उनको जिम्मा दे दिया कि वो लोग क्या करे, टैक्स कलेक्ट करे। ठीक है, दे वेर बाउंड टू डिपोजिट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर 20 to 40 years। टैक्सेस वेर हाई, अब फिक्स तो अलग बात है लेकिन टैक्स वेर हाई, यानी कि अब वो लोग ने क्या किया कि किसानों को अपना डिपॉजिट करना ही है बेटा, रेवेन्यू क्या करना है जैसे भी हो भाई देना है, और वो रेवेन्यू जो होगा बेटा 20-40 साल तक चेंज नहीं होगा, उसमें कोई सुधार नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा, फिक्स्ड रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी तुम्हारा फसल आए ना आए, तुम्हारा फसल बिगड़े। ठीक है, दिस सिस्टम फेल बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू एंड हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन। ये जो था ये सिस्टम भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसमें रेवेन्यू जो था काफी हाई। रेवेन्यू देना बड़ी बात नहीं है बेटा, चाहे 40-20 साल तक वो फिक्स रहेगा, लेकिन एक जेन्युइन एक रैशनल जो लोग दे पाए और कुछ हल्का भी करना पड़ता है, क्योंकि सारे समय फसल अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में किसानों को दिक्कत हो सकती है, ऐसे समय पे भी कोई सुधार नहीं किए, देना है तो भाई देना है। और ये रेवेन्यू भी सफल नहीं हुआ बेटा, क्योंकि ये रेवेन्यू में हार्श मेथड्स ऑफ कलेक्शन, बहुत जबरदस्ती गलत तरीके से लोग किसानों से पैसा लिए जा रहे थे और रेवेन्यूज भी काफी हाई थे। थ्रू दिस सिस्टम एफर्ट्स वेर मेड टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। एक प्रकार से देखा जाए परमानेंट सेटलमेंट भी टैक्स कलेक्शन के लिए किया गया था, रोयतवारी भी टैक्स कलेक्शन के लिए किया गया था। रोयतवारी इसलिए किया गया था क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट एक प्रकार से फेलियर था, उस फेलियर को कवर अप करने के लिए, उसका ड्रॉबैक्स को कवर अप करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट बना दिया था, बट परमानेंट सेटल सॉरी रोयतवारी सिस्टम बना दिया था, बट रोयतवारी सिस्टम भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें हाई रेवेन्यूज लिए जाते थे और किसानों को कोई भी सुविधाएं या छूट नहीं दिए गए थे, और इसमें हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन करने का तरीका भी बहुत गलत तरीके का था। तो आप लोग ने दो सिस्टम्स देख लिए। जो तीसरा सिस्टम जो आप लोग हम लोग पढ़ेंगे, दिस विल बी द महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब महलवारी सिस्टम, द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड क्वाइट अ डिफरेंट सिस्टम फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यूज इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये सब तुम लोग देख रहे हो बंगाल, यू कैन से ओडिशा, बिहार में लगा था, लेकिन महलवारी सिस्टम थोड़ा, ये थोड़ा डिफरेंट सिस्टम था कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाकी जगहों पे रोयतवारी लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने कुछ अलग तरीके से क्या किया, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का नया सिस्टम अपनाया, दैट वाज नोन एज महलवारी। और यही सिस्टम को लेटर पंजाब में भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये एक प्रकार से देखा जाए तो इट वॉज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। थोड़ा जमींदारी सिस्टम जो हम लोग देखे थे उसी सिस्टम में कुछ सुधार लेके आया था ये तुम्हारा महलवारी सिस्टम। सेटलमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज मेड बिटवीन द कंपनी एंड द महल और द विलेज कम्युनिटीज देमसेल्व्स। अब इसमें एक चीज ये आया कि सेटलमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के बारे में जो भी चर्चाएं करनी थी या सेटलमेंट्स, उसमें कुछ भी सुधार या कुछ कंक्लूजन में आना था, तो ये डायरेक्ट कंपनी और महल, या जिसको विलेज हम लोग बोलते हैं विलेज कम्युनिटीज, उनके बीच में डायरेक्टली क्या होता था, बातचीत होता था। कंपनी आते थे बोलते थे कि भाई इतना लैंड होगा, महल या तुम्हारे विलेज कम्युनिटीज एग्री करे या ना करे, मतलब उस ऐसे सेटलमेंट होता था, समझौता। ऑल द पीजेंट्स, चाहे वो फार्मर्स हो चाहे वो कल्टिवेटर्स हो, वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू देने का जिम्मेदारी खेती करने वाले किसान हो या जो खेती करवा रहा है, वो सबको देना पड़ता था। द फिक्स्ड रेवेन्यू वॉज टू बी पेड इन कैश एंड इट कुड बी रिवाइज आफ्टर 30 years। सो रेवेन्यूज क्या होंगे बेटा, फिक्स्ड रहेंगे, यू हैव टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, 20 रुपए देना है तो सबको 20 रुपए देना है, तो ये हर एक 30 साल में इसको दोबारा, या 30 साल के बाद, या 30 साल के एक दो साल आगे बढ़ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, 30 साल के बाद ही ये आप लोगों का रिविजन यानी कि रिवाइज, उस पर कुछ सुधार किए जाते हैं। और यहां पे एक चीज ये था, इफ एनी पीजेंट फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू द होल विलेज कम्युनिटी हैड टू पे इट। यानी कि मान लो यदि कोई भी किसान
टैक्स नहीं दे पा रहा है या रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, तो उनके बदले में सारे विलेज कम्युनिटीज को मिलकर उनका टैक्स देना पड़ता, ठीक है। ये एक था। तो इसीलिए कभी भी, क्योंकि कोई नहीं दे पा रहा है तो हो सकता है उससे कंपनी को लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस इसलिए नहीं होता था क्योंकि सारे विलेज कम्युनिटी मिलके एक व्यक्ति का टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कंपनी तो टैक्स लेके ही रहेगा, रेवेन्यू लेके रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू सिस्टम से कभी लॉस नहीं हुआ, महलवारी सिस्टम से। इट इम्बाइडेड द गुड फीचर्स ऑफ बोथ परमानेंट एंड रोयतवारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू। तो ये एक प्रकार से देखा जाए महलवारी सिस्टम वॉज द फाइनल सिस्टम जिसमें परमानेंट सेटलमेंट और रोयतवारी सेटलमेंट का अच्छे अच्छे चीजें डाल के यहाँ पे डाल दिए गए, और इसमें कुछ सुधार लाए, जैसे कि सुधार क्या लाए, सेटलमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज कंपनी और विलेज कम्युनिटीज के बीच में होना, यही सब चीजें सुधार आए। तो आज हम लोग ने ये देखे कि अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारे एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो ब्रिटिशर्स ने लेके आए, कॉलोनियल पावर्स लेके आए, जो कॉलोनियल एग्रीन पॉलिसीज थे, हम लोग ने देखे पहले तो किस प्रकार से हमारे इंडिया को कैप्चर किया है, वो हम लोग ने देखे लैंड, और उसके बाद अब धीरे धीरे कैप्चर करने के बाद जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हमारे देश में लगाए थे, ये सिस्टम्स के बारे में हम लोग देखे। यहाँ पे हम लोग ने देखे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, महलवारी सेटलमेंट क्या था, रोयतवारी सेटलमेंट्स क्या थे। तो सिंपल सी बात है, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें ब्रिटिश कंपनी क्या करते थे कि टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो आज हम लोग ने यहाँ तक इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो ये सिस्टम्स ला दिए, तुम लोग ने देख लिया कोर्स मैरिज डीमैरिज देखे इन द एंगल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो ये सिस्टम डाला तो गया था, हम लोग ने बस देखे कि सिस्टम लगाया है, लेकिन इस सिस्टम ने हमारे इंडियन फार्मर्स को क्या इफेक्ट किया है। अब ये सिस्टम ब्रिटिश के नजरिए से तो अच्छा लग रहा है उन लोगों को, लेकिन अब इंडियन फार्मर्स या इंडियन पीजेंट्स के एंगल से ये सिस्टम ने उन लोगों को किस प्रकार से अफेक्ट किया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ दिस, द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन द विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।